discussed about the third most important chapter of organic chemistry, that is aldehydes, ketones and carboxylic acids. Now this is the lockdown period and we are delivering these lectures through video media. Dear students, it is pretty much important for the examinations point of view as well as a competitive examinations. Now today we are discussed about some basic theme and terms of this chapter, that is introduction, definitions, classification and some related examples of that aldehydes, ketones and carboxylic acid. तो देखते हैं हम लोग introductions. अब यहां पर जो बात आ रही है aldehydes, ketones and carboxylic acid, ये जो पूरा तीन वर्ड है, ये तीन वर्ड को मर्ज किया गया है. इसका मतलब यह है कि इन तीनों के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन चीज है. सो व्हाट आई कैन से, द सम कॉमन थिंग शुड बी प्रेजेंट इन aldehyde, ketone as well as the carboxylic acid, and that common thing will correlate all these three in a one cell, and that common thing is a functional group. Now let us see aldehyde. In aldehyde there is bond, C double bond, OH, this functional group, that is called as aldehyde group or formyl group. In ketone, here is bond, C double bond, O bond, and that group is called as the ketonic group, or it is also called as the oxo group. And third one is a carboxylic acid, which is bond, C double bond, O bond, OH. अब यहां पर हम देखेंगे, क्योंकि बेसिकली यू माइट हैव बीन स्टडीड इन 11th स्टैंडर्ड, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप. अब यहां पर देखेंगे कि ये बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड और बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच. अब इनमें कॉमन चीज क्या है? इनमें कॉमन चीज अगर हम देखेंगे तो ये जो मैं यहां पे डॉट डॉट सर्कल कर रहा हूं, दिस वन इज ए कॉमन थिंग. That is bond C double bond O, bond C double bond O, bond C double bond O. It means that in all these three functional group, there is a carbon and oxygens which are bonded together by means of a double bond, and that group is called as a carbonyl group. अब ये जो है बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप को हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे. एंड यू नो दैट व्हेन एवर सच टाइप ऑफ ए ग्रुप इज प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, देन दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ए कार्बोनिल कंपाउंड. देखिए ये ऐसे प्रकार का जो भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा कोई भी कंपाउंड की बात कीजिए. अब आगे अगर हम जाएंगे तो एस्टर की भी बात आएंगे, तो एस्टर के अंदर भी ऐसे प्रकार का ग्रुप रहेगा, तो ऐसे प्रकार के ही कंपाउंड को हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड्स कहेंगे. तो एक बात तो क्लियर हो गई कि एल्डिहाइड्स हो गया, केटोन्स हो गया एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गया, ऑल दीज आर द कार्बोनिल कंपाउंड्स. व्हाई दीज आर द कार्बोनिल कंपाउंड्स? बिकॉज दिस डू कंटेन्स ए वन मोस्ट कॉमन ग्रुप, एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज ए कार्बोनिल. अब यहां पर हम बात करेंगे कि यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे OH है, लेकिन यहां पर जो है केटोन के अंदर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, मतलब ये सिर्फ प्योरली कार्बोनिल ग्रुप है, जिसे केटोनिक ग्रुप कहेंगे. अब ये ग्रुप को हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं. अब ये कार्बोक्सिल ग्रुप कैसे कहेंगे? क्योंकि ये ग्रुप को हम लोगों ने कहा है कार्बोनिल, और ये जो ग्रुप है ये है हाइड्रोक्सिल. कार्बोनिल का नील और हाइड्रोक्सिल का हाइड्रो अगर हम लोग डिलीट करेंगे या ओमिट करेंगे और मर्ज, देन अल्टीमेटली वी आर गेटिंग कार्बो एंड झिल, दैट इज कॉल्ड एज ए कार्बोक्सिल. दिस इज द सिंपल कंसेप्ट.
तो ये हुआ आपका कार्बोक्सिल ग्रुप। तो अब हम जाएंगे सर्टन डेफिनेशंस की तरफ, तो एल्डिहाइड्स, केटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डेफिनेशन देखेंगे हम लोग एल्डिहाइड की। अब सिंपल सी बात है कि ये जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप, इसमें कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड। इट मीन दैट दिस कार्बन इज डू बॉन्डेड विद द ऑक्सीजन बाय मींस ऑफ ए डबल बॉन्ड। यहां पे एक पाई बॉन्ड होगा और एक जो रहेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। अब कार्बोनिल कार्बन जिसकी वैलेंसी जो है वो फ्री है और ये दो वैलेंसी है। अब इसमें अगर हम लोग एल्डिहाइड की डेफिनेशन अगर कहेंगे कि अगर ये कार्बोनिल कार्बन की एक वैलेंसी जो है वो अल्किल ग्रुप के साथ है और दूसरी वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन के साथ है, या कार्बोनिल कार्बन की दोनों वैलेंसी जो है ये अगर हाइड्रोजन के साथ भी है तो जो कंपाउंड हमें मिलेगा उसे हम लोग एल्डिहाइड कहेंगे। सो इट मीन दैट व्हेन वन वैलेंसी ऑफ कार्बोनिल कार्बन इज बॉन्डेड टू द अल्किल ग्रुप एंड अनदर वैलेंसी इज बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन, देन द कंपाउंड्स आर ऑब्टेन एंड दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एल्डिहाइड। यानी ये कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, एल्डिहाइड कहेंगे। तो यहां पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो आर है ये आर अल्किल ग्रुप है। दैट अल्किल ग्रुप मींस एलिफेटिक ग्रुप, इट इज नॉट ए एरिल ग्रुप, इट इज एन एलिफेटिक ग्रुप। अब यहां पर मैंने जो एग्जांपल्स लिखा है, अल्किल ग्रुप की जगह मैंने हाइड्रोजन लिखा है, बोथ द वैलेंसीज ऑफ कार्बोनिल कार्बन आर बॉन्डेड टू द हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है जिसमें मैंने कहा था पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। यहां पर जब हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या कोई भी रिएक्शंस पढ़ेंगे तो यहां पे अल्टीमेटली पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, क्योंकि सिग्मा और पाई बॉन्ड की अगर बात करेंगे तो पाई बॉन्ड ये वीक बॉन्ड होगा। तो जनरल फॉर्मूला अगर हम लोग लिखेंगे एल्डिहाइड का, तो आर बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड ओ, वेयर आर इज एनी अल्किल ग्रुप एंड अल्टीमेटली बॉन्ड सी एच ओ, लाइक वाइज दिस इज कॉल्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड and that group is also called as a formal group. So this is the first definition of aldehyde. So when one valency of carbonyl carbon is attached to the alkyl group and another valency is attached to the hydrogen atom, then the compounds obtained, that compounds are called as a aldehyde. So this is the definition. Now yahan par dekhiye, अल्किल ग्रुप की जगह हम लोगों ने हाइड्रोजन लिखा, इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट मेंबर, दैट इज द फॉर्मल्डिहाइड। सेकंड मेंबर की बात करेंगे तो ये होगा एसिटाल्डिहाइड। और नॉमेनक्लेचर में हम लोग पूरा पढ़ेंगे कि कैसे प्रकार से हम लोग एल्डिहाइड और तैयार कर सकते हैं। तो नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज द केटोन। अब यहां पर देखिए, ये है केटोन का फंक्शनल ग्रुप, दैट फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज ए ऑक्सो ग्रुप। अब कार्बोनिल कार्बन देखेंगे हम लोग, इसके दोनों वैलेंसी फ्री है और ये दोनों वैलेंसी अगर आपके अल्किल ग्रुप के साथ है या एरिल ग्रुप के साथ है। अब अल्किल ग्रुप R और R डैश ये सेम भी हो सकते हैं, इनके बजाय अगर हम लोग एरिल ग्रुप लिखते हैं तो वो भी सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट व्हेन बोथ द वैलेंसीज ऑफ कार्बोनिल कार्बन्स आर अटैच टू द सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ ए अल्किल ग्रुप, देन द कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज अ केटोन। इसका मतलब ये है कि कार्बोनिल कार्बन की जो दोनों फ्री वैलेंसीज है, ये दोनों फ्री वैलेंसीज अगर अल्किल ग्रुप के साथ में अटैच्ड है तब जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो कंपाउंड को हम लोग केटोन्स कहेंगे। तो यहां पर आर बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड आर डैश, ये है आपके केटोन का जनरल फॉर्म्यूला। और अल्किल ग्रुप निकालिए और फिर जो भी फ्री वैलेंसीज है, ये फ्री वैलेंसीज के साथ अगर हम लोग ग्रुप लिखेंगे तो बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज ए फंक्शनल ग्रुप ऑफ केटोन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए ऑक्सो ग्रुप। अब अल्किल ग्रुप पता है हमें, मिथाइल ग्रुप है या इथाइल ग्रुप है, अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो दोनों मिथाइल ग्रुप लिखेंगे, CH3 bond C bond CH3 double bond O,
दैट इज कॉल्ड एज ए मिथाइल ग्रुप, दो बार है इसलिए डाई मिथाइल केटोन, विच इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज एसीटोन। तो ये हुआ हमारा केटोन। इसमें अगर दोनों अल्किल ग्रुप को अगर हम डिफरेंट लिखेंगे तो यहाँ पे सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड सी टू एच फाइव, तो ये इथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है। अल्फाबेटिक के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो इथाइल का ई पहले आता है मिथाइल के एम से, इसलिए इट इज कॉल्ड एज इथाइल मिथाइल केटोन। अब ये डिटेल में हम लोग जाएंगे नॉमेनक्लेचर में, जो भी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन आएगा अल्किल ग्रुप का या अरिल ग्रुप का, दैट वी विल बी डिस्कस्ड इन ए थरोली इन आवर नॉमेनक्लेचर सिस्टम। नाउ नेक्स्ट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोगों ने कार्बोक्सिल ग्रुप का नाम कैसे है यहाँ पर हम लोगों ने देखा है, तो सिंपल सी चीज है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये कार्बोक्सिल ग्रुप अगर रहेगा तो ऐसे प्रकार के जो कंपाउंड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल डेफिनेशन, इट मीन दैट व्हेन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एनी कंपाउंड कंटेनिंग ए बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच ग्रुप एज ए फंक्शनल ग्रुप इन देयर मॉलिक्यूल, दैट टाइप ऑफ ए कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ए कार्बोक्सिलिक एसिड। Now, let us see here free valency of carboxyl group carbon. यहां पे अगर हम alkyl group भी लिखते हैं तो R bond C double bond O bond H. Alkyl group की जगह aryl group भी लिखेंगे, हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो these R that will specify the alkyl group, that's why R bond C double bond O bond OH. This is the general formula of carboxylic acid. While bond C double bond OH is a bond C double bond O bond OH is a functional group of a carboxylic acid and that group is called as a carboxyl group. तो ये group को हम लोग क्या कहेंगे, carboxyl group। यहाँ पे R के जगह कोई भी alkyl group suppose लिखते हैं तो CH3 bond C double bond OH and that is called as a acetic acid. जिसे हम लोग विनेगर भी बोल सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन में, एंड दैट टाइप ऑफ एसिड इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। तो ये रहा शॉर्ट डेफिनेशंस। अब यहां पे अगर हम लोग और डिटेल में जाएंगे कॉम्पिटेटिव के लिए तो फिर बोल सकते हैं एल्डिहाइड, क्योंकि इसके लिए हमें टर्म पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो ये जो एल्डिहाइड जो है, दिस एल्डिहाइड जो मिलता है ये प्राइमरी अल्कोहल से मिलता है और केटोन जो मिलता है ये सेकेंडरी अल्कोहल से मिलता है, लेकिन प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करना है और सेकेंडरी अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करना है तो प्राइमरी अल्कोहल का पहला जो ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट आता है वो है पहले है, और सेकेंडरी अल्कोहल का जो पहला ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट आता है वो है आपका केटोन। दैट्स व्हाई ऑल इन ऑल वी कैन से दैट दीज एल्डिहाइड्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स ऑफ ए प्राइमरी अल्कोहल, व्हाइल द केटोन्स आर द फर्स्ट ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स ऑफ ए सेकेंडरी अल्कोहल, एंड दैट इज द न्यू टर्म। नाउ सेम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पे प्रॉब्लम ये होता है कि सही मायने में ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच यही ग्रुप होना चाहिए, हाँ यही ग्रुप होना चाहिए, लेकिन ये ग्रुप एक बार भी हो सकता है, दो बार भी हो सकता है या तीन बार भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप शुड बी प्रेजेंट इन देयर मॉलिक्यूल, एंड दैट्स व्हाई डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल द क्लासिफिकेशन हैज बीन ब्रॉट अप। तो लेट अस सी द क्लासिफिकेशन। आप क्लासिफिकेशन देखेंगे पहले एल्डिहाइड का, ओके तो अब तक हम लोगों ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन डेफिनेशंस और इसके कुछ फंक्शनल ग्रुप और सम कॉमन एग्जांपल्स हम लोगों ने देखा। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट टर्म इज द क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखते हैं एल्डिहाइड का। अब एल्डिहाइड में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दो प्रकार का क्लासिफिकेशन है, वन इज द एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड सेकंड इज नथिंग बट द एरोमेटिक एल्डिहाइड। Now, let us see the aliphatic aldehyde.
अब एलिफेटिक अर्लेड में क्या है, यहां पे हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला जब देखा था अर्लेड का, R बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, यहां पर जो अल्किल ग्रुप अटैच था आपके अल्डिहाइड नाम के फंक्शनल ग्रुप को, ये अल्किल ग्रुप अगर प्रेजेंट रहेगा तो ऐसे प्रकार के ही अल्डिहाइड को हम लोग एलिफेटिक अल्डिहाइड कहेंगे। अब एरोमेटिक का मतलब ये अल्किल ग्रुप को अगर हम लोग छोड़ के कोई भी अरिल ग्रुप रखते हैं, ये अरिल ग्रुप है, तो ऐसे प्रकार के अल्डिहाइड को हम लोग कहेंगे एरोमेटिक अल्डिहाइड। सो इट मीन दैट सो व्हेन अल्किल ग्रुप इज नाउ इन केस ऑफ एन एलिफेटिक अल्डिहाइड, व्हेन द अल्डिहाइडिक कार्बन एटम इज अटैच्ड टू एन अल्किल ग्रुप देन द कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड एंड दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एलिफेटिक अल्डिहाइड, एंड इन केस ऑफ एन एरोमेटिक अल्डिहाइड दीज कार्बोनिल कार्बन और अल्डिहाइडिक कार्बन इज अटैच्ड टू एन अरिल ग्रुप एंड दैट इज कॉल्ड एज एन एरोमेटिक अल्डिहाइड। तो एग्जांपल्स अगर देखते हैं तो R अल्किल ग्रुप कोई भी एसिटिल या CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप, तो दैट टाइप ऑफ अल्डिहाइड इज कॉल्ड एज एन एसिटिक अल्डिहाइड। This is the most common example, acetaldehyde. अब यहां पर अगर अल्किल ग्रुप के बजाय अगर हम लोग हाइड्रोजन भी लिखते हैं तो एक्सेप्शनल केस के तहत, तो ये हाइड्रोजन भी अगर लिखते हैं तो ये हाइड्रोजन मतलब यहां पे जो अल्डिहाइड मिला दैट इज द फॉर्मल्डिहाइड। अब प्रॉब्लम ये है कि आप लोग बोलते हैं कि सर यहां पे आपका जो कार्बोनिल कार्बन है जिसमें R अटैच है, मतलब वो कोई भी अल्किल ग्रुप होना चाहिए, मिथाइल हुआ इथाइल हुआ या प्रोपाइल एंड प्रोपाइल या आइसोप्रोपाइल, लेकिन एक्सेप्शनल केस मतलब हाइड्रोजन भी अगर प्रेजेंट है तो दैट शुड बी ए फॉर्मल्डिहाइड एंड इट इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ योर एलिफेटिक अल्डिहाइड। नाउ अरिल ग्रुप के तरफ आएंगे, दैट इज द एरोमेटिक अल्डिहाइड। अब कोई भी अरिल ग्रुप, सपोज अरिल ग्रुप का मतलब क्या है, एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन रिंग, तो ये है एरोमेटिक रिंग, दैट इज द बेंजीन रिंग। अब यहां पे अगर हम लोग अल्डिहाइडिक ग्रुप लिखते हैं, मतलब ये जो कार्बोनिल कार्बन है, ये जो अल्डिहाइडिक ग्रुप का जो कार्बन है, ये डायरेक्टली किसके साथ बॉन्डेड है, आपके अरिल ग्रुप के साथ, आपके एरोमेटिक रिंग के साथ, आपके बेंजीन रिंग के साथ। तो ऐसे प्रकार के जो भी अल्डिहाइड मिलेंगे दैट काइंड ऑफ अल्डिहाइड आर कॉल्ड एज एन एरोमेटिक अल्डिहाइड। इट मीन दैट व्हेन द कार्बोनिल कार्बन और व्हेन एन अल्डिहाइडिक ग्रुप कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू एन एरोमेटिक ग्रुप और एन अरिल ग्रुप और ए बेंजीन रिंग, देन द कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड, दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ए एरोमेटिक अल्डिहाइड एंड नेम ऑफ दैट एरोमेटिक अल्डिहाइड इज बेंजा अल्डिहाइड। ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है एंड दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज ए बेंजाल्डिहाइड व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एन एरोमेटिक अल्डिहाइड। नाउ नेक्स्ट इज द कीटोन्स। अब कीटोन को हम लोग देखेंगे एलिफेटिक और एरोमेटिक। अब एलिफेटिक कीटोन और एरोमेटिक कीटोन, एलोफेटिक में अगर हम देखेंगे तो अभी हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि आपका जो कार्बोनिल कार्बन की जो दोनों फ्री वैलेंसीज है वो अल्किल ग्रुप के साथ अटैच है। एरोमेटिक की बात करेंगे तो कार्बोनिल कार्बन की जो दोनों फ्री वैलेंसीज है वो एक तो दोनों अरिल ग्रुप के साथ है या एक अरिल ग्रुप के साथ है तो दूसरी अल्किल ग्रुप के साथ है, और ऐसे प्रकार के ही कीटोन को हम लोग क्या कहेंगे, एरोमेटिक कीटोन। सो इन केस ऑफ ए एलिफेटिक कीटोन व्हेन बोथ द वैलेंसीज ऑफ कार्बोनिल कार्बन आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू एन अल्किल ग्रुप देन दैट कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एन एलिफेटिक कीटोन। अब यहां पर फिर से दोनों आपके क्या है, अल्किल ग्रुप है, तो दोनों अल्किल ग्रुप है मतलब दोनों के चांसेस क्या हो सकते हैं, इट मे बी सेम और इट मे बी डिफरेंट। अभी ये नए सिलेबस में जो आया है
दोनों अल्किल ग्रुप ये सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं ये R और R डैश सेम और यहां पर R और R डैश डज नॉट सेम। इट मीन दैट व्हेन बोथ द अल्किल ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू द कार्बोनिल कार्बन्स आर सेम देन दैट टाइप ऑफ ए कीटोन आर कॉल्ड एज ए सिमेट्रिकल कीटोन और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए सिंपल कीटोन। सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन इसका एग्जाम्पल देखेंगे CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री दैट इज कॉल्ड एज ए डाइमिथाइल कीटोन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए एसीटोन। अब यहां पर अगर हम देखेंगे सेम नहीं है मतलब CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड C2H5 ये इथाइल और ये मिथाइल तो इथाइल मिथाइल केटोन। सो हियर द बेसिक डिफरेंस इज दैट इसमें दोनों अल्किल ग्रुप सेम है सिंपल या सिमेट्रिकल में और सेकंड वाला जो है वो दोनों अल्किल ग्रुप सेम नहीं है दोनों अल्किल ग्रुप ये डिफरेंट है देन दैट काइंड ऑफ ए केटोन आर कॉल्ड एज ए मिक्स्ड केटोन और अनसिमेट्रिकल केटोन। तो व्हेन बोथ द अल्किल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन्स आर नॉट सेम दे आर नॉट इक्वल दे आर अनइक्वल दे आर डिफरेंट देन दैट काइंड ऑफ ए कीटोन आर कॉल्ड एज ए मिक्स्ड कीटोन और अनसिमेट्रिकल कीटोन। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ दिस इज CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड ओ C2H5 एंड दैट इज कॉल्ड एज ए इथाइल मिथाइल कीटोन। अब बढ़ते हैं हम लोग एरोमेटिक कीटोन की तरफ। अब एरोमेटिक कीटोन में क्या होगा कि कार्बोनिल कार्बन की जो दोनों वैलेंसीज है ये एक तो एरोमेटिक रिंग को या अरिल ग्रुप को होना चाहिए या बेंजीन रिंग को होना चाहिए या एक वैलेंसी एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग और दूसरा जो है वो अल्किल ग्रुप के साथ। सो इट मीन दैट तो फर्स्ट वन में हम देखेंगे कि व्हेन बोथ द वैलेंसीज ऑफ कार्बोनिल कार्बन आर बॉन्डेड टू both the valences of carbonyl carbons are directly bonded to an aryl group then that kind of a ketone are called as a aromatic ketone। जैसे कि दोनों benzene ring यहां पे जो है कोई भी benzene ring के साथ carbonyl group अगर present है तो उसे phenol बोलते हैं and hence it is called as a benzophenol, it is also called as a benzophenol or ये phenyl group है ये भी phenyl group है and hence it is called as a diphenyl ketone। अब ये जो है ये second example अगर हम देखेंगे तो ये पहला है आपका aromatic मतलब benzene ring और ये रहेगा carbonyl group और इसके साथ में है आपका CH3 मतलब methyl group अल्किल group के जरिए methyl group। अब यहां पर देखिए मैंने आपको पहले कहा कि कोई भी बेंजीन रिंग के साथ कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे फिनोन कहेंगे तो ये रहेगा फिनोन और ये जो CH3 ग्रुप है इसे कहेंगे एसेट तो ये हुआ एसेटोफिनोन इसका नाम जो है दैट इज कॉल्ड एज एसेटोफिनोन। तो ये जो आप लोगों ने यहां पे सफिक्स लगाया है यहां पे प्रेफिक्स लगाया है यहाँ पे हम डिटेल में न जाते हुए नॉमेनक्लेचर जो पार्ट रहेगा वहां पे हम लोग पूरा थरोली डिटेल में जाएंगे आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये एसीटो कहां से आया है ये फिनोन कैसे हम लोगों ने यूज किया है तो ये ऐसे प्रकार का डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ओके नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट इज नथिंग बट द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे कि आप सब जानते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप है ये है बॉन्ड सी डबल बॉन्ड बॉन्ड व्हिच अब व्हेनेवर This type of a carboxyl group is present in a any organic compound, then that type of a compound or that type of a substance is called as a carboxylic acid. अब ये carboxylic acid फिर से ये carboxylic acid की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी आपका aliphatic हो सकता है ये भी आपका aromatic हो सकता है। अब simple सी चीज aliphatic मतलब alkyl group. It may be saturated or unsaturated that is containing carbon carbon single bond or carbon carbon double bond। अब aromatic मतलब यहां पे जो है ये aryl group होना चाहिए मतलब related with the benzene ring।
तो अब यहां पर हम देखेंगे एलिफेटिक का मतलब ये अल्किल ग्रुप लगेगा, एरोमेटिक का मतलब ये कोई भी अरिल ग्रुप लगेगा। अब अल्किल ग्रुप है मतलब यहां पे अगर हम लोग एग्जांपल लिखेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, यहां पे ये है मतलब C6H5 मतलब फिनाइल ग्रुप बेंजीन रिंग वाला। तो दिस इज कॉल्ड एज एसिटिक एसिड एंड दिस इज कॉल्ड एज बेंजोइक एसिड। But moreover, we can say that these kind of a carboxyl groups are present in a numerous way in their molecule. It means that it may be present in one time, two time, or three time, and that's why depending upon the number of a carboxyl group present in a molecule, these carboxylic acids are called as a monocarboxylic acid, dicarboxylic acid, and tricarboxylic acid. So if this carboxyl group is present once, then it is called as a monocarboxylic acid. If this carboxylic acid do present in a two times, it means that when two carboxyl groups are present in a molecule, then that compounds are called as a dicarboxylic acid. Most common name is nothing but the succinic acid, and second is अब यहां पर तीन कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है एंड दिस काइंड ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड एज ए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज कॉल्ड एज ए साइट्रिक एसिड। दिस इज द मोस्ट कॉमन एसिड विच विल बी प्रेजेंट इन ए सिट्रस फ्रूट सच एज द लेमन। सो ऑल दीज आर नथिंग बट द मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डायकार्बोक्सिलिक एसिड एंड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है हमारे कॉमन एग्जाम्पल्स। और आगे का जो पोर्शन है द नेक्स्ट टर्म और नेक्स्ट टॉपिक दैट आर कोरिलेटेड विद दिस टॉपिक दैट वी विल स्टडी ऑन नेक्स्ट लेक्चर। सो ओके, थैंक यू, लाइक and subscribe to our channel and give your valuable time and learn through a audio visual mode. Stay home and stay safe. Thank you.